नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कितनी ही कोशिशें कर ले, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग सरकार की कोशिशों पर पलीता लगाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसमें एक सोसाइटी की दीवार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। लोगों से फ्लैट मेंटेनेंस के नाम पर रकम तो मोटी ले ली जाती है, लेकिन क्या सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं? वो इंदिरापुरम में हुए हादसे की तस्वीरें सारी सच्चाई बयां करती हुई आपको दिख जाएंगी। रिपोर्ट देखिए और इस पूरे मामले को समझिए। जब मुनाफा कमाने की होड़ लग जाए और उसके बाद भी लोगों को सुविधाएं मुहैया ना हो, तो कम लागत में ज्यादा मुनाफे का नतीजा जो होता है वो इन तस्वीरों में आपके सामने है। ये टूटी दीवार, मलबे के नीचे दबी गाड़ियाँ, ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम की, जहां 19 तारीख को महागुण मेंशन की लगभग 10 फीट ऊंची और 60 फीट लंबी दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोगों में चीख पुकार मच गई, लेकिन गनीमत रही कि इस दीवार की चपेट में कोई नहीं आया। जो गाड़ियां दीवार के मलबे में, गाड़ी के भैया बन रही हैं। सर जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। हम रिपोर्ट करने गए और लिख के दे दी, उसने रिपोर्ट भी जीडी पे नहीं चढ़ाई अभी तक पुलिस वाले ने, किसी ने। गाड़ी हम ही चलाते थे इसको, दोनों चलाते हैं, रात दिन चलती है गाड़ी। अब ये गाड़ी टूट गई, अब हम कहाँ जाएं? अब इंश्योरेंस हम ले जा रहे हैं उठा के से, क्या करें हम? वो इंश्योरेंस वाले भी सुन नहीं रहे। जी तो टप का इंश्योरेंस है, कैशलेस बेवकूफ बना रहे। पहले 2.5 लाख रुपए जमा करो, जब उसके बाद में गाड़ी लेंगे हम आपकी। गाड़ी का ओनर हूँ मैं, तो बाद में आया हूँ। मेरी ये जो है, ये गाड़ी चलाते थे तो उनने बताया था कि यहाँ गाड़ी खड़ी करने के बाद खाना खाने गए थे, तो उसी 2 मिनट बाद दीवार गिर गई है। उसके बाद 100 नंबर पर फोन भी किया था, पुलिस आई थी, आई चली गई थी। उसके बाद फिर हम सुबह थाने गए, FIR लिखाने गए, उसको ले ली थी, लेकिन फिर दूसरे दिन फिर गए थे। उनने कह दिया कि किस बुनियाद पे हम FIR करेंगे, और तो आपने रोड पे गाड़ी लगा रखी थी। सोसाइटी बिल्डर, RWA के अधिकारी और प्रशासन इतना उदासीन बना रहा कि शिकायत के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से लोग खुद ही दीवार के भारी पत्थरों को अपनी गाड़ी से हटाने में जुटे थे। जब यहाँ पर दीवार गिरी है, जो गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनके मालिक यहाँ से निकाल लें, उनको किसी तरह का प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली है, ना ही कोई क्रेन यहाँ पर आई है पत्थर को हटाने के लिए, और खुद वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और दीवार, यहाँ जो दीवार गिरी थी इसको हटा रहे हैं। भैया आप क्या कर रहे हैं अभी? सर दिखे रहे हो, दब गया है तो निकल रहा हूँ एक एक करके। तो आप इसके मालिक हैं? हाँ जी सर, मेरा ही गाड़ी है, मेरे नाम पे है। तो मतलब प्रशासन, गाजियाबाद प्रशासन ने अभी कोई हेल्प नहीं करी इसमें? कोई हेल्प नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं है। जबकि ये तो पानी दे दे के गिराया है, और इस पर में ना चुनाई है ना क्या है, रोड है, सीमेंट है, कुछ भी नहीं है। ऐसा देखो, ये तो थूक मारने से निकल जा रहा है, इतना हल्का है ये। राहत की बात ये भी रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त दीवार के पास से कोई शख्स नहीं गुजर रहा था, और न ही दीवार सोसाइटी के अंदर गिरी। अगर ऐसा होता तो दोनों ही सूरतों में जान का भी नुकसान यहाँ हो सकता था। सोसाइटी की जो दीवार गिरी है उसके पास से नाला गुजर रहा है। लोगों का कहना है कि नाले का पानी लगातार दीवार में जा रहा था। शिकायतों के बाद भी इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे, जिसका नतीजा ये रहा कि पानी से दीवार की नींव कमजोर पड़ गई और ये हादसा हो गया। जब RWA के पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने बयान दिया और बताया कि ये मामला RWA के अंदर आता है, लेकिन सोसाइटी में लगे पेड़ पौधों की वजह से दीवार कमजोर हो रही थी, जिसका पता नहीं चल सका। दीवार गिरने के बाद महागुण मेंशन मार्केट के व्यापारियों और राहगीरों के साथ ही सोसाइटी के लोगों ने इसका जिम्मेदार RWA को ठहराया है। वहीं व्यापारी किशोर ठाकुर का कहना है कि दीवार का अगर नियमित मेंटेनेंस होता रहता तो ये नौबत नहीं आती। GDA के अधिकारियों को भी नाला ठीक कराना चाहिए। अब ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? GDA के अधिकारी जिन्होंने नाले पर ध्यान नहीं दिया और नाले के पानी से दीवार की नींव कमजोर पड़ गई, या RWA के पदाधिकारी जिन्होंने शिकायतों के बाद भी समय रहते न तो लोगों की समस्याएं सुनी और न ही मेंटेनेंस का ध्यान दिया? सवाल कई हैं, लेकिन देखना होगा कि हादसे के बाद अब कौन जिम्मेदार ठहरता है और जो जिम्मेदार है उन पर कब तक गाज गिरती है। सवाल ये भी बना हुआ है कि जब सोसाइटी के बाहर की दीवार इस तरह से गिर सकती है,
तो फ्लैटों में लगे मटेरियल की क्या गारंटी हो सकती है। गाजियाबाद से कंचन भारद्वाज की रिपोर्ट। सोनभद्र